नमस्ते प्रणाम सभी को, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे से हो। तो आज मैं जा रही हूँ कहीं, क्योंकि कल मेरी आयु का बर्थडे है, तो उसके लिए थोड़ा कुछ शॉपिंग करना था, तो इसलिए मैं जा रही हूँ सूरत सिटी। अंदर जाऊँगी और अंदर में आप लोग मेरे साथ ब्लॉग में जुड़े रहिएगा, तो ही अंदर आपको मैं कहाँ कहाँ जाती हूँ, क्या क्या करती हूँ, और क्या पीछे का नज़ारा कितना सुंदर है ना। तो आप लोग जुड़े रहिएगा लास्ट में, तो ही आपको देखने को मिलेगा अंदर में क्या क्या करना है। एक बहुत अच्छा ब्रिज है, सूरत का फेमस ब्रिज है, उस पर भी जाऊँगी, तो आप लोग प्लीज़ जुड़े रहिएगा मेरे साथ। तो चलिए चलते हैं, देखिए इधर का नज़ारा और इधर का भी देखिए। चलिए चलते हैं। आगे ये है सूरत का फेमस विमान, देख एक मिनट बैक कैमरा करके। हम लोग लेना था कपड़ा ले लिए और रास्ते में जा रहे थे तो एक पार्क दिखा, देखिए पार्क का नज़ारा। हम लोग सोचे कि जाके इसमें ट्राई करते, मतलब हर जगह, मतलब देखिए सब कितने बैठे हुए हैं, इधर उधर इधर का ये देख लीजिए। और फिर देख रहे हैं, अरे फूल सब जो वाइट वाइट वाला चमक रहा है वो देखिए, कितना सुंदर लग रहा है ना नज़ारा। मैं घूम घूम के आपको दिखा देती हूँ, क्योंकि ना उस ब्रिज पे हम लोग नहीं जा पाए, वहाँ पे क्या बोलते हैं पुलिस था, तो हम लोग नहीं गए, तो इधर ही हैं। एक देखिए, मतलब एक जगह ऐसा नहीं है इतना, और ये आदमी सब जो इतना है, इसका इधर का नज़ारा भी बहुत अच्छा है। कुत्ता कचरा गिरा दिया क्या काम है उसका, भी वही काम करेगा। और इधर लोग सब देखिए, मैं दिखाती हूँ यहाँ से एक बार, जैसे लग रहा है कि ना मेला लग गया है ना, देखिए तो हम लोगों ने काफ़ी देर यहाँ पे बैठे और अब जा रहे हैं घर, क्योंकि रात होने वाली है, देख रहे हैं कितनी। और इधर का मतलब यहाँ से ना जाने का मन नहीं करता है, इतना सुंदर नज़ारा है, देख। तो क्या करें, फिर भी रात होने वाली है और बारिश भी थोड़ा हल्का फल्का लग रहा है कि बारिश का मौसम है, तो इसलिए अब हम लोग जा रहे हैं। हो गया हम लोगों काफ़ी देर, मतलब एक घंटे डेढ़ घंटे बैठे थे, और कुछ नाश्ता पानी भी इधर ही कर लिए, लेके आए थे फिर, और तो चल रहे हैं घर, तो चलिए चलते हैं। तो हम लोग आ गए घर और बहुत, मतलब 4 बजे ही गए हैं और अभी बज रहे हैं 8:30, बहुत मतलब हो गया। इधर से उधर गए, मतलब कपड़ा अच्छा मिला ही नहीं, मतलब जो पसंद आता था वो इसके साइज़ का नहीं था, वो मैचिंग मैचिंग कुछ हो ही नहीं रहा था मेरे पसंद लायक, तो कितना ढूंढने के बाद मुझे ये मिला। मैं दिखाती हूँ एक सेकेंड, क्योंकि ना मेरी पसंद ना पता नहीं कुछ हटके ही है, मेरे बारे में बोलते पता नहीं तुमको कौन सा पसंद है, तो मेरा पसंद ना कुछ हटके है, दिखाती हूँ। ये देखिए, इसका जो ये नीचे वाला है ना, मतलब वीडियो में अच्छे से दिख नहीं रहा, पता नहीं क्यों, इसका ये नीचे वाला ना इतना सुंदर है, मतलब क्या बोलते, एक सेकेंड, ये वाला, ये जो पास दिखा तो था, मतलब इसमें इतना सुंदर कलर भी बहुत प्यारा लग रहा है, कलर जो उसमें जो मोबाइल में दिख रहा है ना वो कलर नहीं, उसमें थोड़ा डार्क है, बड़ा सुंदर कलर लग रहा है, कल पहनेंगी तो देखिएगा, मेरी क्यूटी का कल बर्थडे है तो पहनेगी, देखिएगा वो उस पर कलर बहुत जचेगा, बहुत सुंदर लग रहा है। इसका ऊपर से ऊपर का मुझे तो नहीं भी पसंद था उतना, ठीक ठाक लगा, पर वो जो नीचे का था ना वो ये इस, मतलब बहुत ही सुंदर लग रहा है, कल पहनेगी अच्छे से, तो आप लोग देखिएगा। और इस पर ये लेगिंग्स भी है, और उसका मैचिंग मैंने लिया, उसका उतना मैचिंग तो नहीं मिला मुझे, ये क्लिप लिया, और ये हाथ में पहनने के लिए, तो इसका मैचिंग दोनों को हो गया, उतना मैचिंग नहीं मिला, पर ये हाथ का जो ब्रासलेट टाइप का है ना वो मिल गया मुझे, तो मैंने ले लिया। तो और भी बहुत कुछ सामान ले लिया, तो वो सब तो क्या, मतलब बर्थडे का जो सामान सब होता है वो सब लिए, तो उस सब तो क्या दिखाना, वो सब तो अब जाएंगे खाना बनाने, तो चलिए
फिर मिलते हैं आप। मॉर्निंग, तो अभी बज चुके हैं 7 और मैं उठ चुकी हूँ और बच्चे भी उठ चुके हैं। मैं आई हूँ तो इसमें भी चली गई। आज मेरी आई का बर्थडे है, तो क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं ना उसको, स्कूल में आज एग्ज़ाम था तो इसलिए वो जल्दी ही उठ गई, मेरे से पहले ही वो उठ गई थी। और बर्थडे के आइटम में वो और भी जल्दी उठ गई, तो मैं जल्दी से उसको टिफिन दी हूँ और वो तो चली गई। अब बस बाबू को जाना बाकी है, तो क्या बोलते हैं उसको लंच में उसको हलवा बहुत पसंद है, तो उसको हलवा खाना है। तो अभी मैं बालकोनी में बैठूंगी, सुबह सुबह ना बालकोनी में मुझे बैठना बड़ा अच्छा लगता है, मतलब उठने का मन ही नहीं करता। और मौसम भी मतलब काफ़ी अच्छा है, एकदम ठंडा, मतलब अभी चल हवा ही बोल रहे हैं, हवा चल रही है और इतना सुंदर अच्छा मौसम लग रहा है। तो जा रही हूँ अब, इसके लिए हलवा बनाऊँगी और इधर एक साइड चाय चढ़ाऊँगी और एक साइड हलवा चढ़ाऊँगी। तो आज मेरी बेटी का बर्थडे है, तो आप लोग दिल से उसके लिए दुआ कीजिएगा कि वो अच्छे से रहे, अच्छे से पढ़े लिखे, अच्छे से आगे जाए, बहुत नाम करे, है ना, यही दुआ दे सकते हैं। वैसे मेरी बेटी है बहुत अच्छी, मतलब है ना क्या बोलते हैं, मतलब आजकल के बच्चे जितने बदमाश रहते, मेरा बाबू है ना थोड़ा बदमाश टाइप का है, वो नटखट है, पर मेरी आयु इतनी सीधी है ना, मतलब बहुत सीधी है, तो वैसे भी बहुत अच्छी है। तो आप लोग दिल से उसको दुआ कीजिएगा। तो जा रही हूँ मैं चाय बनाने और ये ब्लॉग को मैं करती हूँ यही एंड। बाकी और ब्लॉग ना शाम को आएगा, बर्थडे का ब्लॉग, तो वो ब्लॉग भी आप लोग जरूर, बर्थडे को शाम को तो नहीं आ पाएगा क्योंकि ना सब रहेंगे तो क्या बोलते हैं खाना पीना खाते उते और सब बातचीत करते हुए, तो नाइट में लेट को कुछ ज़्यादा ही हो जाएगा रात को लेट, तो रात को तो नहीं डाल पाऊँगी। फिर मैं इसी टाइम ही कल बर्थडे का ब्लॉग सुबह को ही आएगा, तो आप लोग प्लीज़ ज़रूर देखिएगा, वो भी ब्लॉग बहुत अच्छा लगेगा। आप लोग ढेर सारा उसको प्यार दीजिएगा, ये छोटी सी बर्थडे पार्टी है, ज़्यादा आदमी को नहीं इन्वाइट किए हैं, बस ऐसे ही अगल बगल कुछ तो ऐसे ही। तो आप लोग ज़रूर देखिएगा और वीडियो को ढेर सारा प्यार दीजिएगा, कल का भी ब्लॉग का और आज को ब्लॉग को भी ढेर सारा प्यार दीजिए। और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, जो लोग नए हैं वो जो लोग कर लिए उसको दिल से धन्यवाद। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।